अतिक्रमण, अधिकार और अहंकार से उपजे हालातों ने दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई का महायुद्ध शुरू कर दिया है। अब यूक्रेन की जमीन काली और आसमान लाल होता जा रहा है। रूस ने एक साथ इतने हमले किए कि यूक्रेन के 100 शहरों में बस आग ही आग नजर आ रही है। कुछ तस्वीरें तो इतनी डरावनी हैं कि हम आपको सब कुछ साफ साफ दिखा भी नहीं सकते, बस तबाह होते इन शहरों की हालत से आपको वाकिफ करा सकते हैं, जहां सब कुछ धुआं धुआं हुआ जा रहा है, सब कुछ जंग की भेंट चढ़ता जा रहा है। जिन शहरों में कभी रौनक हुआ करती थी, अब उन शहरों में मौत का सन्नाटा पसरा है। रूस की रेड आर्मी हर हाल में कीव पर कब्जा चाहती है, तो वहीं यूक्रेन की सेना कीव को बचाने में लगी है। यूक्रेन में जमीन से लेकर आसमान तक मौत बरस रही है। पुतिन की सेना के टारगेट पर अब यूक्रेन की राजधानी कीव है। वो हर हाल में कीव पर कब्जा चाहती है। जंग है इस वक्त कीव को कब्जा करने की। रशियन फोर्सेस, रशियन सेना कोशिश में है कि कीव जो यूक्रेन की राजधानी है उस पे काबिज हो जाए, क्योंकि एक तरह से वो पूरी जंग में उनके लिए जीत का एक ऐलान होगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के मारियोपोल के मेयर ने दावा किया है मारियोपोल में बिजली और पानी का संकट है। यह दावा किया गया है, रूस के हमले के बाद बिजली और पानी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। इस शहर में हमले में मारियोपोल पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ये मेयर की तरफ से दावा किया गया है कि बिजली और पानी का संकट यहां पर है। जिस तरीके से हमले किए गए उसके बाद बिजली और पानी का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ा दावा, यूक्रेन के मारियोपोल में लगातार हमले तेज किए गए जिसकी वजह से हर चीज तबाह होती हुई नजर आई है और अब भारी संकट गहरा गया है बिजली और पानी का। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से चारों ओर धुआं फैलता हुआ नजर आया। ये हवाई हमले रूस की तरफ से किए गए। पुलिस हेडक्वार्टर में किस तरीके से तबाही, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दहशत का आलम ऐसा है कि लोग यूक्रेन छोड़ने के लिए स्टेशनों पर जमा हो गए। रूसी सेना ने खार्किव में एक अस्पताल पर हमला कर दिया है, हेरसोन पर कब्जा किया है रूस की सेना ने। कीव में टीवी टावर पर हमला हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई। भड़क गया और ऐसे ही एक आदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वो एप्पल का आईपैड अपने हाथों में लिए हुए दिखाई दिया। इसके बाद उसने आईपैड को जमीन पर रखा और उस पर हथौड़े से वार करने लगा। हथौड़े के लगातार वार से उसकी स्क्रीन चकनाचूर हो गई। फिर उसने अपने पास बैठे एक लड़के को हथौड़ा दे दिया और उसने भी आईपैड को तोड़ना शुरू कर दिया। वीडियो में दिख रहे आदमी ने खुद को पुतिन का समर्थक बताया। इससे पहले एप्पल ने एक बयान जारी कर यूक्रेन पर रूस के हमले को गलत ठहराते हुए रूस में अपने सभी स्टोर बंद कर दिए, यानी अब रूस में आईफोन और आईपैड जैसे एप्पल के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही रूस के सरकारी मीडिया के ऐप को भी एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से हटा दिया। यही नहीं, कंपनी ने रूस में एप्पल पे की सर्विस पर भी रोक लगा दी। खार्किव पर रूस की सेना के हमले और तेज हो गए। जंग के पहले दिन से ही रूस ने इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन 7 दिन बीतने के बाद भी यूक्रेन की सेना के आगे उसकी एक नहीं चली, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने शहर के अंदर घुसे रूसी सैनिकों को कई बार खदेड़ दिया। उनके काफिलों पर ताबड़तोड़ हमला करके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया, जिसके बाद रूस ने खार्किव के अलग अलग हिस्सों में मिसाइल हमले तेज कर दिए। उसकी एक मिसाइल ने वहां पुलिस मुख्यालय की इमारत को निशाना बनाया। हमले के बाद बिल्डिंग की छत आग की लपटों से घिरी दिखाई दी। पुलिस के जवानों में अफरा तफरी मच गई। तभी इमारत की छत का एक हिस्सा टूटकर तेज आवाज के साथ नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग की छत पर लगी आग और भड़क गई। नीचे खड़े पुलिस वालों ने मदद के लिए अपने साथियों को आवाज लगाई, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती
उसने बिल्डिंग के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसे बुझाने में 10 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। इसके बाद पुलिस मुख्यालय में लगी आग तो बुझ गई, लेकिन खार्किव शहर के दूसरे हिस्से जलते रहे। पूरे शहर में जहां नजर गई तबाही के निशान ही दिखाई दिए, और वहां से एक ऑयल टैंकर में लगी आग की भीषण तस्वीरें भी सामने आईं। बताया गया कि रूसी सैनिकों ने ऑयल टैंकर को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां सड़क के एक बड़े हिस्से पर आग फैल गई। साथ ही वहां से उठे काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। खार्किव की एक टैंक बनाने की फैक्ट्री पर भी रूस ने मिसाइल दागी। इसके बाद वहां हुए धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जबकि शहर के बीचों बीच भी रूस ने एक के बाद एक कई हमले किए, जिसकी वजह से वहां के आसमान में धुएं का बवंडर जैसा दिखाई दिया। उधर खार्किव पर हो रहे हमलों में मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के मुताबिक वहां कब्जा नहीं कर पाने से बौखलाया रूस अब अस्पतालों पर भी हमला करने से नहीं हिचकिचा रहा, और वहां के एक अस्पताल की तस्वीरें यूक्रेन के दावे को सही साबित करती दिखी। रूसी मिसाइल की मार से अस्पताल के कई हिस्से बुरी तरह टूट गए, जबकि उसके अंदर रखा सामान भी कबाड़ में बदल गया। खार्किव में 7 दिन से भीषण जंग चल रही है, और इस जंग के निशान शहर के दूसरे इलाकों में भी दिखे। बड़ी बड़ी इमारतें मलबों में बदली हुई नजर आईं। सड़कों पर कई किलोमीटर तक सिर्फ टूटी हुई बिल्डिंगों के टुकड़े बिखरे दिखे। कई गाड़ियां जलकर लोहे का ढांचा भर रह गईं। इस बीच राहत बचाव में लगी टीमें हमले का शिकार हुए लोगों को टूटे फूटे घरों से निकालती दिखी। बताया गया कि रूस के हमले में वहां अब तक 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 125 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसके बाद खार्किव में रूस की सेना के विरोध में वहां के आम नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। ये तब हुआ जब रूस के सैनिकों की एक गाड़ी खार्किव के एक रिहायशी इलाके से गुजर रही थी। तभी वहां के कुछ लोग अपने घरों से निकलकर रूस की गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। इन लोगों के हाथों में हथियार नहीं बल्कि यूक्रेन के झंडे थे। कुछ ही देर में रूस के हमले से गुस्साए इन लोगों ने उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, ताकि वो आगे नहीं बढ़ सके। यूक्रेन का झंडा लहराते हुए इनमें कई लोग रूस की गाड़ी के सामने डटकर खड़े हो गए और धक्का देकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, एक आदमी तो गाड़ी के बोनट पर ही चढ़ गया और उसके शीशे पर पैरों से वार करता दिखा। गाड़ी में बैठे रूस के सैनिक भी अचानक हुए इस हमले से घबरा गए और अपनी गाड़ी की रफ्तार उन्होंने बढ़ा दी, जिससे वहां हादसे का खतरा बन गया, क्योंकि उस गाड़ी के चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। इसी बीच जो आदमी बोनट पर चढ़ा था वो गाड़ी से नीचे गिर गया। इसके बाद कुछ लोग उसे उठाने में जुट गए, जबकि रूस के सैनिकों की वो गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। वहीं जब से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियार संभालने वाली अपनी फौज को तैयार रहने को कहा है, तब से पूरी दुनिया में खलबली मची है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के ताजा दावे ने तो अमेरिका और उसके साथियों के होश ही उड़ाकर रख दिए। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के परमाणु बमों का निशाना यूक्रेन नहीं बल्कि ब्रिटेन होगा।